एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे मोटर की। मोटर में हमने दो टाइप की मोटर पढ़ा था, सीरीज़ मोटर के बारे में हमने बात किया था, शंट मोटर के बारे में हमने बात किया था। सीरीज़ मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, शंट मोटर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, सीरीज़ मोटर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था जनरेटर की, उसमें हमने चार कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड कैरेक्टरिस्टिक, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, और हमने चौथा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली मोटर की कैरेक्टरिस्टिक में भी हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा स्पीड वर्सेज टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शंट मोटर के बारे में बात करेंगे, शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करेंगे, शंट मोटर की स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, शंट मोटर की टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, शंट मोटर की स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो शंट मोटर है उसकी अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो शंट मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये आर्मेचर और यहाँ पर ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया। यहाँ पर हम लोग मोटर कंसीडर कर रहे हैं तो जो आर्मेचर करंट होगा वो इनवर्ड होगा, और यहाँ पर ये जो लाइन करंट हमें जो दिखाई दे रहा है आईएल, ये आर्मेचर करंट के ही डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने पैरेलली लगा दिया शंट वाइंडिंग, और ये शंट वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने शो किया आई सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में एफ से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये बेसिकली फील्ड वाइंडिंग जो कि पैरेलली कनेक्टेड है ये आर्मेचर के साथ, और यहाँ पर ये जो मोटर है इसी को हम लोग बोलते हैं शंट मोटर, और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया वीटी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमें बात करना है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो स्पीड है उसको हम लोग एन से भी शो कर सकते हैं और ओमेगा से भी शो कर सकते हैं। अगर एन से शो करें तो ये ज़्यादा सही होगा, राइट। आप ओमेगा से भी शो कर सकते हो। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नो लोड स्पीड होगी, नो लोड पर जब कोई लोड नहीं लगा होगा तभी जो मशीन की जो स्पीड होगी, शंट मोटर की जो स्पीड होगी, उसके लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया डॉटेड लाइन से कर्सर की टिप, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नो लोड स्पीड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर हमने जो C3 कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है, यहाँ पर ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है, ये कैरेक्टरिस्टिक देख के आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज करते जाएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो जो स्पीड है वो इंक्रीज करते जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को देखें, C3 कैरेक्टरिस्टिक और ये C2 कैरेक्टरिस्टिक, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि हम लोग आर्मेचर करंट को जब हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो जो स्पीड है वो डिक्रीज करते जाएंगी। यहाँ पर आप ये दोनों C3 या फिर C2 दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करो, C2 कैरेक्टरिस्टिक लेट से, तो जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे जाते जा रहे तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो मोटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी, जो कि हमने शो किया है कुछ इस तरीके से, ये C2 कैरेक्टरिस्टिक से, C2 कैरेक्टरिस्टिक से हमने शो किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसीडर किया है, अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कंसीडर करें तो जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, C2 कैरेक्टरिस्टिक वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी तो कुछ इस तरीके से हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी जिसको हमने शो किया C3 से। यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, इसका मतलब क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसीडर किया था, C2 कैरेक्टरिस्टिक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, इसका सिंपल मतलब ये, जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसीडर करें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसीडर करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, आपकी जो स्पीड होगी वो रैपिडली डिक्रीज़ करने लगेंगी। मगर जब आप आर्मेचर रिएक्शन कंसीडर करोगे तभी आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा, जो कि हमें ये C3 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो आर्मेचर फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा, आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, राइट।
तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसिडर करते तो ऐसे केस में आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने की वजह से जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करने लगती है ग्रेजुअली, जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करने लगती है, आप सिर्फ इतना नोट डाउन करना। मगर जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कंसिडर करते तभी जो स्पीड का जो डिक्रीमेंट होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है। यही रीज़न की वजह से जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर आप ये C3 कैरेक्टरिस्टिक को अगर केयरफुली नोटिस करो तो जो स्पीड में C3 कैरेक्टरिस्टिक को आप अगर केयरफुली नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो स्पीड में आपको जो डिक्रीमेंट जो दिखेगा वो थोड़ा कम दिखेगा एज़ कम्पेयर टू C2 कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने ये देखा आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। और अगर हम लोग आर्मेचर करंट कंसीडर करें तो जो स्पीड का जो डिक्रीमेंट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, जो स्पीड होती है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। और अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन अगर नहीं कंसीडर करते तो स्पीड का जो डिक्रीमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है आर्मेचर करंट। यहाँ पर आप ये टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक को देखो तो आपके कैरेक्टरिस्टिक देखने पर क्या लग रहा है, बहुत हद तक क्लियर है। जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टॉर्क होगा वो आपका कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर ये C1 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए हमने आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसिडर किया। अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसिडर करें, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को अगर इग्नोर कर रहे हो तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर आपका जो टॉर्क होगा वो लीनियरली इंक्रीज़ करता जाएगा, टॉर्क लीनियरली इंक्रीज़ करता जाएगा। मगर आप आर्मेचर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हो तो ऐसे केस में होगा क्या, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने पर आपका जो टॉर्क होगा वो लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक के लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका जो टॉर्क होगा वो लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करेगा बाय इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली इसके बाद वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है स्पीड, और जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है टॉर्क। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमने कंसिडर किया। नो लोड स्पीड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर शो किया, और जो ओमेगा नॉट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, नो लोड स्पीड इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको कितनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, 3 कैरेक्टरिस्टिक, C1 कैरेक्टरिस्टिक, C3 कैरेक्टरिस्टिक और ये C2 कैरेक्टरिस्टिक। ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक फॉर नो लोड स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक फॉर नो लोड स्पीड, जो कि हमें ये C1 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, नो लोड पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेंगी, नो लोड पर जो मशीन की जो स्पीड होगी वो आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी, जिसको हमने यहाँ पर C1 कैरेक्टरिस्टिक से शो किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें C3 कैरेक्टरिस्टिक इज़ इंडिकेटिंग स्पीड इज़ डिक्रीजिंग लीनियरली एंड नो आर्मेचर रिएक्शन इज़ कंसिडर। यहाँ पर ये जो C3 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो स्पीड है वो लीनियरली डिक्रीज़ करते जा रही है बाय इंक्रीजिंग टॉर्क, और जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। जब आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर करो तो ऐसे केस में होगा कि जो C3 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि हमें ये C2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। तो यहाँ पर ये C3 कैरेक्टरिस्टिक नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, अगेन इसका मतलब क्या है तब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। एज्यूम करो कि आपने जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको आपने कंसिडर नहीं किया, आपकी मशीन में कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जब आप टॉर्क को इंक्रीज़ करोगे तो आपकी जो मशीन की जो स्पीड होगी वो डिके करने लगेंगी। टॉर्क को आपने इंक्रीज़ किया तो मशीन की जो स्पीड है वो गिरते जाएंगी, टॉर्क इंक्रीज़ करते जा रहे हैं मशीन की जो स्पीड है वो गिरते जा रही है। तो यहाँ पर इतना हमने समझा, आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर हमने नहीं कंसिडर किया था। अभी हमने आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर किया है, हमने एज्यूम किया कि हमारी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन होने पर जब आप टॉर्क को इंक्रीज़ करोगे ना तो जो मशीन की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगेंगी। यही रीज़न की वजह से ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने कुछ इस तरीके से शो किया, इसकी जो स्लोप है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये तीन ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट? ये तीन ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से हमने ये समझा, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से हमने ये समझा कि शंट मोटर के केस में टॉर्क को इंक्रीज़ करने की वजह से होगी क्या, जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी। फिर उससे पहले हमने यहाँ पर क्या समझा,
टॉक वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में जो टॉक और जो आर्मेचर करंट है वो लीनियरली वेरी करेंगे अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन नहीं कंसिडर करें तो। अगर आर्मेचर रिएक्शन कंसिडर करें तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो टॉक और जो आर्मेचर करंट का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में ये डिस्कस किया, जब हम लोग आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है, मगर जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन एज्यूम करते हैं तो ऐसे केस में जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करने लगती है। अभी हम लोग आ जाते हैं सीरीज़ मोटर के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात करते हैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है स्पीड, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर आप देखो स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने बनाया कर्सर की टिप, ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप अगर ये कैरेक्टरिस्टिक को केयरफुली अगर नोटिस करो, केयरफुली अगर आप नोटिस करो, जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है वो कम होती है, और जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखो जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, आर्मेचर करंट का जो मैग्नीट्यूड जब ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है वो कम होती है। आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम है इसका मतलब आपकी जो मोटर है उसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। आर्मेचर करंट का अगर मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है ना तो इसका मतलब आपकी मशीन के साथ लोड कनेक्टेड होता है। आर्मेचर का करंट बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी मशीन के साथ जो लोड कनेक्टेड है वो बढ़ रहा है, राइट। आर्मेचर का करंट कम हो रहा है इसका मतलब आपकी मशीन के साथ जो लोड कनेक्टेड है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आर्मेचर करंट कम है और जो स्पीड है वो ज़्यादा है। आर्मेचर करंट कम है इसका मतलब क्या है, आर्मेचर करंट कम है इसका मतलब आपकी मशीन के साथ आपकी मोटर के साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं, आप ऐसा एज्यूम करते हुए चल सकते हो। तो उस केस में जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखो यही रीज़न की वजह से जो डीसी सीरीज़ मोटर होती है उसको हम लोग कभी भी स्टार्ट नहीं करते नो लोड पर, क्योंकि अगर आप देखो नो लोड पर जो आर्मेचर करंट होता है वो कम होता है, लोड कम होगा तो आर्मेचर करंट कम होगा, लोड ज़्यादा होगा तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नो लोड पर जो आर्मेचर करंट होता है वो कम होता है, आर्मेचर करंट ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा होती है, और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो हाई स्पीड है वो आपकी डीसी सीरीज़ मोटर को मैकेनिकली डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर लेस आर्मेचर करंट स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर रिमेन हाई, लेस आर्मेचर करंट के लिए जो स्पीड होगी डीसी सीरीज मोटर की वो हाई होगी, जिसके वजह से जो डीसी सीरीज मोटर है उसको हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते नो लोड कंडीशन पर। अगर डीसी सीरीज मोटर को अगर हम लोग स्टार्ट करें नो लोड कंडीशन पर तो जो मोटर की जो स्पीड होगी वो डेंजरसली हाई होगी, जो कि मोटर को डीसी सीरीज मोटर को मैकेनिकली डैमेज कर देगी। तो यहाँ से हमने ये समझा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक से हमने ये समझा कि जब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो ऐसे केस में जो मोटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोटिस करें डीसी सीरीज़ मोटर में जो फील्ड करंट आर्मेचर वाइंडिंग करंट जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग वो सेम होती है, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट होता है वो बराबर में होता है। हमें पता है जो फ्लक्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फील्ड करंट के साथ, और जैसे कि हमने डिस्कस किया आई एफ इजिकल टू आई ए, आई एफ आई ए के बराबर में, और फ्लक्स अगर आई एफ के साथ प्रोपोर्शनल है तो जो फ्लक्स होगी वो आई ए के साथ भी प्रोपोर्शनल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जो कि है टॉक वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉक वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं टॉक, और एक्स एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर आप देखो आपको दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर कर्सर की टिप डॉटेड लाइन में एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे आर्मेचर करंट इंक्रीज करते जाएंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर जाते जाएंगे टॉर्क इंक्रीज करते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे टॉर्क डिक्रीज करते जाएंगे, और सिमिलरली एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ओरिजिन की तरफ आएंगे तो जो आर्मेचर करंट होगा वो डिक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो फुल लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट आपको कुछ इस तरीके से पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, मगर आप आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कंसिडर करो। यहाँ पर ये कर्सर की टिप, यहाँ पर आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देखो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, मगर यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्सर की टिप, यहाँ पर आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ पर आप देखो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है आपको पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। कैरेक्टरिस्टिक इज पैराबॉलिक फॉर लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट की लो वैल्यू के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कैसे मिल रही है, पैराबॉलिक मिल रही है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कुछ इस तरीके से लीनियर मिल रही है फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है
वो आपको सेचुरेशन और आर्मेचर रिएक्शन के वजह से मिलेंगी, और ये जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको आर्मेचर करंट की हाई वैल्यू के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आर्मेचर करंट की लो वैल्यू के लिए हमें पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, और आर्मेचर करंट की हाई वैल्यू के लिए हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। तो इसका रीज़न क्या है, अगर हम लोग देखें लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है KmCIa स्क्वायर पर, और हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट के लिए जो टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है KmφIa पर। तो यहाँ पर ये आप आई ए वाला टर्म नोटिस करो, आर्मेचर करंट वाला टर्म नोटिस करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर लो वैल्यू ऑफ आई ए, जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ आई ए के लिए जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट के ऊपर, उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रीज़न की वजह से लो वैल्यू ऑफ आई ए के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, और हाई वैल्यू ऑफ आई ए के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है हमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लो वैल्यू ऑफ आई ए के लिए आपकी मशीन का जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये रीज़न की वजह से आपको लो वैल्यू ऑफ आई ए के लिए पैराबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, और हाई वैल्यू ऑफ आई ए के लिए आपकी मशीन का जो टॉर्क है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये रीज़न की वजह से हाई वैल्यू ऑफ आई ए के लिए आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। यहाँ पर आपके टॉर्क वर्सेज आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक से। जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा, राइट। जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अभी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, तो जो वाई एक्सिस होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, स्पीड इंडिकेट करती है, और जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, टॉर्क इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये कैरेक्टरिस्टिक को आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर आप देखो जब टॉर्क कम होता है तभी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, और जब टॉर्क ज़्यादा होता है तभी जो स्पीड है वो कैसी होती है, वो कम होती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट डाउन करना, और यहाँ पर ये जो कर्व आपको जो मिल रही है कैसी कर्व मिल रही है, हाइपरबोला कर्व मिल रही है। तो यहाँ से हमने ये समझा जब टॉर्क कम होता है, जब टॉर्क कम होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाएंगे टॉर्क इंक्रीज़ करते जाएंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर जाते जाएंगे स्पीड इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो जब टॉर्क कम होता है तभी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, और जब टॉर्क ज़्यादा होता है तभी जो स्पीड है वो कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टॉर्क कम तो स्पीड ज़्यादा, और जब टॉर्क ज़्यादा होता है तभी जो स्पीड है वो कैसी होती है, वो कम होती है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक हमें यही बताती है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक विथ इंक्रीज इन लोड स्पीड ऑफ सीरीज मोटर फॉल्स रैपिडली। ये कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो जब हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे, जब हम लोग टॉर्क को इंक्रीज करेंगे, लोड को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग टॉर्क इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो जो स्पीड होगी मोटर की वो डिक्रीज करने लगेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मोटर की जो स्पीड होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्वर्सली डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट स्पीड ऑफ मशीन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। जो स्पीड होती है मशीन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के साथ। अगर फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो मशीन की जो स्पीड होगी वो कम होगी, फ्लक्स अगर कम है तो मशीन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम लोग ये फ्लक्स जो कंसिडर कर रहे हो, किसकी फ्लक्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फील्ड फ्लक्स। फील्ड की फ्लक्स अगर ज़्यादा होगी तो मशीन की स्पीड कम होगी, फील्ड की फ्लक्स अगर कम होगी तो जो मशीन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे 3-point starter में। जब हम लोग 3-point starter पढ़ेंगे तभी हम लोग ये देखेंगे कि जो 3-point starter होता है उसका एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन ये होता है कि 3-point starter से आप मशीन की स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं इंक्रीज़ कर सकते हो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड मशीन की, कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।